प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग लेजेंडरी पोकेमोन ट्रेल में फ्लोर 41 से 50 कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो गेम डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे सामने स्टार्टिंग से ही आ चुका है लुगिया। क्या करें, ड्रैगनाइट से ही बैटल करें। चलो ट्राई करते हैं ड्रैगनाइट कुछ कर पाता है या नहीं। लुगिया के अटैक्स अगर इसने थोड़े बहुत भी झेल लिए तब तो ये टिक जाएगा। इसके बाद रूस्ट यूज़ करते हैं। ड्रैगनाइट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका है अब। देन अब आउटरेज यूज़ करते हैं। अगले आउटरेज में लुगिया निपट जाएगा। चलो शानदार, अब आ चुका है सामने टायरानिटार, लेकिन ड्रैगनाइट है कंफ्यूज। तो मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा और यार रजरिगास को बुला लूँगा। रजरिगास के ड्रेन पंच से एक हिट में निपट जाएगा। चलो टायरानिटार ने जितना भी डैमेज दिया है उससे आधा तो रिकवर कर ही लिया हमने। क्या बात है, सामने है ड्रैगनाइट और ये बच गया यार आइस पंच से। दिक्कत हो गई यार। और ये क्या शाइनी मोल्ट्रस यार, ये तो ऐसा लग रहा है कि जला हुआ भुना हुआ मुर्गा हो कोई, है कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ लुगिया को बुला लेना चाहिए यार। अब मास्टर ही संभालेगा इसको। ये क्या है यार, ये ब्लास्ट गन यूज कर रहा है। चलो स्काई अटैक यूज किया और अब गया ये भी। ये क्या फ्रेंड्स, लाटियोस आ चुका है सामने। चलो इसे तो शेडिंजा एक हिट में निपटा देगा। मजाक कर रहा था, लेकिन काफ़ी आसानी से निपटा देगा। लेजेंडरी पोकेमोन ट्रेल में जो लाटियस और लाटियोस आते हैं इनके पास सका पंच नहीं होता फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। एक्चुअली सकर पंच क्या करता है, प्रायोरिटी मूव है वो सबसे पहले हिट करता है। अगर आपने कोई अटैक यूज़ किया है तो वो सबसे पहले, वो मतलब आप उस जिस इससे पहले अपना अटैक यूज़ करें सकर पंच आपको हिट कर देगा। बट अगर आप कन्फ्यूजन टॉक्सिक या रिकवर जैसा कोई दूसरा मूव यूज़ करते हैं तो वो वेस्ट जाएगा, आप पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंटे आ चुका है सामने। चलो राइपीरियर को लेके जाते हैं। राइपीरियर ज़्यादा पावरफुल नहीं है बट फिर भी एंटे को तो झेल देगा। अरे अच्छा खासा डैमेज दे दिया यार एंटे को, और ये तीन फायर ब्लास्ट में निपट गया राइपीरियर। हालांकि बहुत अच्छा खेला यार राइपीरियर ने। अब सिर्फ हर बच गया यार, ये ट्रैप कर लिया यार इसने, तो मारना पड़ेगा जल्दी। क्या हो गया यार, रजरिगास निपट चुका है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई फ्रेंड्स ये तो। चलो एक विंग अटैक में इसे निपटाते हैं। क्या यार शिट, इसको भी अभी आना था। सबसे भयानक फ्रेंड, सबसे भयानक पोकेमोन आ चुका है आई थिंक सो। वैसे पैक यूज ना करे यार, दिक्कत हो गई। अब तो वोगोफाइट को ही ले जाना पड़ेगा। सिर्फ दो पोकेमोन्स बचे हैं फ्रेंड्स हम लोगों के पास। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इकलौता तरीका था मेरे पास फिलहाल ज़ैपडोस को निपटाने का। अगर राइपीरियर ज़िंदा होता तो राइपीरियर अच्छा खासा डैमेज दे देता उसे। चलो कोई और नहीं है तो फिलहाल लुगिया को ही जाना पड़ेगा शाइनी उक्सी से लड़ने। यूजुअली हम तीनों स्पिरिट्स को बहुत इजीली निपटा देते हैं अगर शेडिंजा होता है तो। अगर शेडिंजा नहीं होता तो फ्रेंड्स ये बहुत परेशान करते हैं। लुगिया साइकिक टाइप है इसलिए इसके साइकिक टाइप मूव्स का ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। बट अगर लुगिया की जगह ड्रैगनाइट या फिर रजरिगास होता
बहुत भारी पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। और यहाँ आ चुका है जी स्टील, जैप कैनन यूज़ कर सकता है ये कभी भी, ये जैप कैनन ही यूज़ कर रहा है फ्रेंड्स। जल्दी से निपटाना पड़ेगा वरना बहुत देर हो गए, इसने पैरालाइज कर दिया। जैप कैनन एक हिट में पैरालाइज कर देती है, हालांकि इसकी एक्यूरेसी कम रहती है, बट अगर एक बार भी हिट हो जाए तो सामने वाला पैरालाइज हो जाता है। चलो यार जल्दी जल्दी से निपटाने की कोशिश करते हैं। एरो ब्लास्ट में यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि लास्ट पोकेमॉन कौन आएगा ये हम नहीं जानते, अगर कोई तगड़ा आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए फ़िलहाल मैं एयर कटर ही यूज़ करूँगा। चलो रिकवर करते हैं लुबिया को। ये क्या है? चलो एटलीस्ट रिकवर कर लिया इसने, और अब ये सुपर पावर यूज़ कर रहा है। फाइटिंग टाइप में होगा जिसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा हम पे। मैं सोच रहा था ड्रैगनाइट को बुला लेते यार, अभी एटलीस्ट ड्रैगनाइट को हील तो कर लेते, सुपर पावर का ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं ड्रैगनाइट पे। स्ट्रगल कर रहा है यार अब तो, ये जिराची आ चुका है, क्या बात है। चलो ड्रैगनाइट को हील कर लेते हैं ड्रैगनाइट। क्या यार एक के बाद एक स्टील टाइप पोकेमॉन्स आ रहे हैं। डेस्टिनी डूम यूज़ किया यार इसने, वो एक दो टर्न के बाद हिट करेगा और बहुत गंदा हिट करेगा। जल्दी निपटाना पड़ेगा यार जिराची को वरना डेस्टिनी डूम से, ओ सॉरी डूम डिज़ायर था, डेस्टिनी डूम नहीं था। चलो झेल लिया एटलीस्ट लुबिया ने डूम डिज़ायर को झेल लिया, और उसने फिर से डूम डिज़ायर यूज़ किया। हमें जल्दी से जल्दी रिकवर करना होगा लुबिया को। चलो एक और डूम डिज़ायर झेल सकते हैं हम, अब बस निपट जाए जल्दी से जल्दी। और फ्रेंड्स जिराची को भी हमने निपटा दिया। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको लेजेंडरी पोकेमॉन कॉन्ट्रैक्ट का शार्ड नंबर 3 मिल जाएगा अगर आप 41 से 50 फ्लोर तक जीत जाते हैं। तो मैं बॉक्स नहीं लूँगा, मैं की ही चूज़ करूँगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको बता सकूँ। मिलते हैं अगली बार।